इशूज़ विथ इन रिलेशनशिप्स इट कुड बी सिबलिंग्स सिबलिंग राइवलरी इट कुड भी रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ पेरेंट्स एंड किड्स सो एवरीबडी स्ट्रगलिंग राइट एंड विथ आर जर्नी दैट वी हैव हैड विथ रिचा हमने ये देखा है और काफ़ी कुछ समझा है कि एनर्जी प्लेज अ वेरी वाइटल रोल और हम इसको एनर्जी को यूज़ करके कैसे चैनलाइज करके एनर्जी को इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं टू एन एक्सटेंट सो so, आज का हमारा जो टॉपिक है इसी पे बात करते हुए ऋचा जी के साथ हम समझने कोश की कोशिश करेंगे कि रिलेशनशिप्स और एनर्जी में क्या रिलेशनशिप है कैसे वो इम्पैक्ट करते हैं रिलेशनशिप्स को द एनर्जीज़ विच कुड बी नेगेटिव पॉजिटिव मैस्कुलिन एनर्जी फेमिन एनर्जी द राइट बैलेंस बिटवीन दैम सो आज हम आपके लिए इसको डी करने की कोशिश करेंगे सो वेलकम टू द पॉडकास्ट अगेन एंड वेलकम रिचा एंड यू कैन हेल्पअज आंसरिंग दिस क्वेश्चन दैट द ऑडियंस हैव रेज एंड दे वुड वॉन्ट टू अंडरस्टैंड सो विथ नाट मच टाइम वी वुड to टू you द फर्स्ट क्वेश्चन कि हमने सब ने सुना है एक मैस्कुलिन एनर्जी होती है एक फेमिनिन एनर्जी होती है सो व्हाट इज इट एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस सो मैस्कुलर एनर्जी एंड फेमिनिन एनर्जी अगर आप बिल्कुल ही सिंपल तरीके से समझना चाहते हैं वैसे कॉमनली इसको श्लुक शिवा एंड शक्ति के फॉर्म में समझते हैं बट हमारे शरीर में भी फ्रॉम ईडा एंड पिंगला सन एंड दी मून सन रिप्रेजेंट्स दूर्य दी शिवा एंड मून रिप्रेजेंट्स दी शक्ति तो जब हम दोनों एनर्जीज हमारी बॉडी में होती है बीच में हमारे सुषुमना नाड़ी होती हो तो दोनों का जब इंटरकनेक्शन होता है आप ऐसे सोचिए अगर आप बहुत ज़्यादा बॉडी को हीट कर लेते हैं बहुत ज़्यादा सन भी होगा और अगर कूलिंग नहीं होगी तो आप बहुत देर क्रिएट नहीं कर पाएंगे तो आप बॉडी अगर हम मशीन की तरह समझते हैं तो अगर आप उसको ठंडा नहीं करते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाएगी तो हमारी बॉडी में मैकेनिज्म ऐसा बनाया हुआ है एंड दी सेंटर विच इज़ द सुषमना इज एम टी इट ब्लैंक सो विच गिव स्पेस फॉर दी एनर्जी टू मूव अप जो ऐसे बोलते हैं ना कि अगर भाप निकलेगी तो जो भाप है वो आपकी सुषुमना से बाहर निकल जाती है सो ईड़ा पिंगला एंड सुषुमना दे ऑल कनेक्ट टुगेदर सो राइट इज़ योर सूर्य नाड़ी विच इज़ योर मैस्कुलिन एनर्जी एंड लेफ़्ट इज़ योर शक्ति दी फेमिलिन एनर्जी मून वॉटर वट एवर यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड इट थ्रू एंड दिस इज़ दी सनसाइड तो हमारा इसका जो रोल है ये कुंडलिनी जागृति में भी बहुत important होता है लेकिन मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिलिन एनर्जी एक बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं हमारी एनर्जी के मूवमेंट में अगर आपकी बॉडी ठंडी नहीं होगी यानी आप अगर इमोशनली चीज़ों को नहीं सोचेंगे तो आप एग्रेसिव हो जाएंगे विच इज़ दिस सन लाइक आप देखिए अगर सन सुबह होता है तो बहुत अच्छा लगता है विटामिन डी देता है आपको लेकिन अगर आपका सन वो एक्सेसिव दोपहर को हाई हो जाता है तो वही चीज़ आपको हार्श स्किन बर्न हो सकता है इन द सेम वे दिनर्जी द मैस्कुलर एनर्जी ऑल्सो वर्क द सेम वे हार्श माइल्ड जैसे पिता को गुस्सा आता है तो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो देन यू डोंट लाइक इट एंड वेन इज सॉफ्ट इज जेंटल

बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गई है हमारे अंदर uh -huh. मतलब हीट बढ़ गई है आज हम इमोशंस में पेन फील करते हैं लेकिन इमोशंस को प्रोसेस नहीं करते जिसकी वजह से इम्बैलेंस इन फेमिन एनर्जी होती जा रही है और उसको अगर आप इस कॉन्टेक्ट से समझे लाइक आज अगर आप देखें तो पी एक बहुत कॉमन ईश्यू uh, हो गया uh -huh. है गर्ल्स में सो दे हैव स्टार्टेड रेजिंग देयर मैस्कुल एनर्जी सो हाई दैट दे आर बीइंग अ वुमन उन्होंने अपनी ही शक्ति को घटा दिया बिकॉज माइंड में एक परसेप्शन डाल दिया गया है यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग बट शक्ति इज मोर स्ट्रांगर देन एनी थिंग बिकॉज शी इज बॉर्न आउट ऑफ शिवा एंड शीज लर्न हर वे टू बी शक्ति है ना उनका जन्म हुआ लेकिन उनको शिव के साथ इक्वल आने के लिए कई जन्म लेने पड़े बट अगर आप देखें तो ये कुछ कॉन्टेक्ट में सही भी है क्योंकि क्यों बोलते हैं लड़की को स्ट्रांग होने के लिए कि उसको हमेशा दबाया गया है राइट right? आप तुम लड़की हो तुम पाँच बजे घर से बात मत निकलो बिकॉज ऑफ ऑफकोर्स राइट रीजन्स नोबडी स्टॉपिंग हर टू गो आउट बिकॉज ऑफ बैड रीजन्स बट बिकॉज कुछ अनहोनी हो सकती है उस लिए तो वो कॉन्टेक्स्ट कि आप स्ट्रॉन्ग बनो आई वुड से इज नॉट रॉन्ग बट राइट बट उसको कैसे लिया जा रहा है और जो आपके कॉन्टेक्स्ट में आप बता रही हैं कि फेमिन एनर्जी ज़्यादा हो जाती है उसकी वजह से

बट दर्सेपन ऑफ दोसाइटी पुट इन हर मेड हर वीक पहले तो ये कॉन्टेक्ट भी ह्यूमन ने ही खराब किया गॉड hmm. ने दोनों को इक्वल बनाया है इन सेंस ऑफ वॉट इन सेंस ऑफ वॉट शी कैन डू एंड वॉट कैन डू शक्ति ही आज संसार चला रही है अगर hmm. ऐसा होता तो शिव उनको वो रोल ही नहीं देते hmm. तो रोल तो बिल्कुल ठीक डिवाइडेड था hmm. बट जैसे जैसे हम एज ह्यूम इवॉल्व होते चले गए हमने शक्ति को इम्बेलेंस करना शुरू कर दिया सप्रेशन जो भी आपने वर्ड यूज किया शी वॉज नेवर वीक अगर आप देखें रानी लक्ष्मी बाई देर हैी वीमेन इन हिस्ट्री जिन्होंने अपने राज्य को बचाने के लिए दे हैव प्लेड अ मेजर रोल करेक्ट करेक्ट तो वीक तो हम कभी भी नहीं थे hmm. वीक किसने किया हम ही ने किया क्यों किया क्योंकि हमें एक एनर्जी को अपनी पावर दिखानी थी Hmm. आज भी तो कितनी वुमेन देर आर सो मेनी वुमेन इन दी टॉप आप uh, अगर पेप्सिको की सीओ देखें वन ऑफ द वेरी वेरी सक्सेसफुल वुमेन तो उन्होंने क्या लड़ाई करके वहां तक पहुंचे नो शी मस्ट हैव थिंग्स बट शी नॉट तो फेमिनिन होना मतलब औरत होना इज नॉट अ नेगेटिव एट्रीब्यूट इट इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव एट्रीब्यूट बट हाउ टू यूज दैट एनर्जी हैज लॉस्ट इट्स कॉन्टेक्स्ट hmm. तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि आपको अगर अपनी पावर समझ आए तो हम उसको समझते हैं जो आप बोल रहे हैं फाइटिंग क्रिएट किया है फाइट एंड पावर में बहुत बड़ा फर्क होता है फाइट इज अ नेगेटिव इमोशन एंड पावर इज अ बैलेंस्ड इमोशन आई नो आई एम पावरफुल एंड आई कैन कन्वर्ट इट तो अब कैसे उस चीज को सही कॉन्टेक्स्ट में लाया जाए क्योंकि आपने एक बड़ा

तो पहला सवाल है कि ये कैसे ये शिफ्ट हुआ और इसको कैसे ठीक करा जा सकता है देखिए सबसे पहले तो आपको जो यूनिवर्स की क्रिएशन है ना किस तरह से बहुत ब्यूटिफुल बैलेंस है शिवा इज देर शक्ति इज देर एंड इन अवर बॉडी ऐसा नहीं है कि भाई आज हम बोलते हैं कि एक देवी देवता है एक राक्षस है

फीमेल को बोलते हैं तुम पढ़ो तुम स्ट्रांग बनो पर वो तो स्ट्रांग है आप आप उसके माइंड में ये मत आप ये मत डालिए उसको सिखाइए फीमेल एक घर चलाती है फीमेल एक जॉब भी कर रही है एक बच्चा भी पैदा कर रही है और बच्चे भी. को पाल भी रही अ मेल इज गोइंग फॉर दैट्स इट तो आप बताइए कि क्या आज मेल किचन में खाना बनाना शुरू कर दिया आई डोंट थिंक सो इन इंडियन बहुत कम में बी हाफ ए परसेंट वन परसेंट तो क्या ये सही नहीं होगा कि अगर ऑलरेडी वो शक्ति पावरफुल है उसको ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये कही कहीं ना कहीं ड्रिफ्ट हो गया या चेंज हो गया सो so, हमें मेल्स को एजुकेट करने की ज़्यादा ज़रूरत है रात दिन लड़कियों को बोला जाए तुम स्ट्रांग बनो स्ट्राग बनो जैसे आप कह रहे हो ऑलरेडी स्ट्रांग है तो so, क्या ये लड़कों strength... को ना बताया जाए कि भाई

हम कोई सुपिरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को ब्रीड नहीं कर रहे लेकिन हम किस तरह से दिखाते यू हैव टू बी यू हैव टू बी पावरफुल टू गर्ल बिकॉज यू आर इियर हम आज बच्चियों के अंदर गर्ल्स के अंदर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ब्रीड करें क्योंकि हम उनको बार बार बोल रहे यू हैव टू बी बेटर बट वाई आर यू पुटिंग दैट इन दैट चाइल्ड्स माइंड इन देयर हारमोनल सिस्टम क्योंकि वो उसको लिए वो एक स्ट्रगल है अपनी बॉडी की एनर्जी को फेमिनिन से मैस्कुलिन में शिफ्ट करना पड़ रहा है इट टेक्स मोर एनर्जी जो ऑलरेडी एनर्जेटिक है उसको डबल एनर्जी पर डाल दिया आपने हुँ. तो अब क्या हो रहा है बॉडी हार्मोन्स छोड़ रही है हार्मोन्स छोड़ने से क्या हो रहा है उसका पीरियडिक साइकिल इम्बैलेंस हो गया पीरियडिक साइकिल इंबैलेंस हुआ तो बच्चा क्रिएट करने में उसको दिक्कत हो रही है शादी के बाद देर आर लॉट ऑफ फाइट्स और ये जो आपने इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उसके अंदर डाला ना वो रिलेशनशिप्स में डाइवोर्स रेट बढ़ा रहा है

क्योंकि आपने उसके माइंड में एक इन्फीरियर सेटअप डाल दिया है कि सी यू हैव टू फाइट यू आर पावरफुल इफ यू आर सेइंग दैट एवरी टाइम शी इज लिस्निंग टू हर पार्टनर वो क्या सुन रही है ये मेरे ऊपर हावी हो रहा, है, हो रहा है ये मेरे ऊपर हावी हो रहा है मुझे हावी नहीं होने देना हाउ डेयर ही हाउ डेयर ही अब आप बताइए उस समय आपके बॉडी में कौन से हारमोन शिफ्ट होंगे पॉजिटिव तो नहीं होंगे ना सो बेसिकली ये अगेन हाउ यू आर ब्रिंगिंग अप द किड्स क्या उनको बताया जा रहा है कैसे करा जा रहा है ऑल लीड्स टू दैट बिकॉज इससे ही आपने बताया एक मेडिकल कंडीशन भी हो रही है फीमेल्स के साथ इवन विथ मैन राइट स्वर्म काउंट इज गोइंग डाउन दे आर नॉट एबल टू हैव किड्स एंड दूसरा है वो तो सेकेंड एस्पेक्ट पहला इवन इम्पोर्टेंसी लेवल तो पहला एस्पेक्ट है कि रिलेशनशिप नहीं चल पा रहे हैं डाइवोर्साइड तो अब इसको कैसे ठीक किया जाए मतलब वॉट should a person a male and a female let's look at it from a context of husband and wife for now not any other relationships to usko kaise theek kiya ja sakta hai if the pcos has been generating in the body because of the level of inferiority complex running in the background unconsciously तो आपका adjustment level भी वैसा ही होगा relationship में तो आपकी listening जो है कभी वो होगी नहीं क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया होगा

तुम इन्फीरियर हो और तुम्हें हावी नहीं होने देना टू प्रूव योर मसल टू बी द सुपीरियर इन द रिलेशनशिप तो जो हमें समझ आता है कि बहुत सारा इनसिक्योरिटीज हो गई है रिलेशनशिप में right. उसका क्या कारण है वो इनसिक्योरिटी क्यों है इसीलिए है इनसिक्योरिटी क्योंकि आपको बचपन से इनसिक्योर किया जा रहा है अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली देखिए दो पैरामीटर्स है एक है कॉन्शियसली जो आप सुन रहे हैं अपने पेरेंट्स से अपने आस पास ऑब्जर्व करें लेकिन वो कुछ आपके अंदर क्रिएट भी कर रहा है मैनिफेस्ट भी कर रहा है ऑन दी अनकॉन्शियस लेवल मान लेते हैं आपने अपने पेरेंट्स को आर्ग्यू करते हुए देखा है ना बचपन में तो आप क्या देख रहे हैं कि मुझे हावी नहीं होने देना किसी को यह अब आपके मम्मी पापा आपको किसी ने नहीं बताया पर सोशल कंडीशन में आप क्या देख रहे हो माई मदर इज सफरिंग माई फादर डि दिस टू मी आई विल नॉट लेट माई पार्टनर सफर डू दिस सफरिंग टू मी एंड यू नो वट बाई डिफॉल्ट यू अट्रैक्ट अ सिमिलर रिलेशनशिप जिस तरह के आपके फादर थे जो आपने देखा वो आप नहीं चाहते बिकॉज यूनिवर्स नो तो समझती नहीं है तो आप जितना नो no नो -no करते हैं वही इन सिक्योरिटी अपनी लाइफ में और अट्रैक्ट कर लेते हैं एंड दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजन दैट आपने जो भी क्वेश्चन पूछा इन्सिक्योरिटी क्यों बढ़ती जा रही है क्योंकि आप इनसिक्योरिटी अपनी लाइफ में ब्रीड कर रहे हैं ब्रीड कर रहे ऐसे है ना कि अगर आप लेटस के पेड़ लगाओगे तो लेटस ही आएगा ना तो अगर आप हर समय इनसिक्योरिटी मुझे आई वॉन्ट टू बी सिक्योर्ड आई वॉन्ट टू बी सिक्योर्ड बोल रहे हो तो आप इनकॉन्श अनकॉन्शियसली क्योंकि ह्यूमन फियर बहुत ईजिल ब्रीड करता है तो वो क्या तो बोल रहा है मुझे ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए अनकॉन्शियसली वो वही इनसिक्योरिटी ब्रीड कर रहा है चाहे बोल वो रहा है सिक्योरिटी बट आप देखो पेट में डिप है सेकेंड एनर्जी सेंटर है पावर टू क्रिएट पावर टू बर्थ पावर टू मैनिफेस्ट सबसे ज़्यादा आज सबका सेकेंड एनर्जी सेंटर डिस्टर्बड है नर्वसनेस इतनी पड़ रिलेशनशिप्स में आप ना हर समय दूसरे का चेहरा देख रहे होते हैं क्या ये बोलूँ क्या ये ना बोलूँ hmm. क्या मेरे बोलने से सामने वाला बुरा तो नहीं मान जाएगा इनसिक्योरिटी तो नहीं होगी बाद में जाके लड़ाई तो नहीं होगी मेरे रिलेशनशिप में मेरे को हाउ विल आई बी टारगेटेड आपका माइंड हमेशा टारगेट पे चल रहा है अनकॉन्शियसली hmm. क्या मेरा पार्टनर मुझे हर समय टारगेट करेगा ये कोई मुझे ऐसा बोलेगा या मैं अगर ये बात बोलूंगा तो मुझे पहले आप एक कॉन्टेक्ट फील करते हैं अपने माइंड में दैट इज द रीजन ऑफ आप हर चीज को उस दायरे में ही देख रहे हो हाँ। आप सुन ही नहीं रहे हो कि वो बंदा क्या बोल रहा है और उसका क्या कहने का मतलब है और आपने एक वो बॉक्स बना रखा है हर चीज को उसमें डाल के एनालाइज करके इससे जवाब दे रहे हो तो अगर वो बॉक्स में है तो वो बॉक्स में वही घूमता रहेगा ना यू हैव टू ओपन बॉक्स यू हैव टू लेट योर सेल्फ सी बियॉन्ड योर ओल्ड रिलेशनशिप्स योर ओल्ड एक्सपीरियंसेस दैट इज़ वाई यू विल बी एबल टू दैट इज़ where यू विल be एबल टू बिल्ड अ न्यू रिलेशनशिप विद the पार्टनर hmm. नहीं बिल्ड कर पाओगे ना आप क्योंकि आप तो अपनी मम्मी को देख रहे हो आप तो अपने पापा को देख रहे हो आप अपने भाई बहनों को देख रहे हो अगर आप छोटे सिबलिंग हो तो आप हर रिश्ते में सामने वाले को उस कटघरे में खड़ा करके देख रहे हो आप उस इंडिविजुअल individual को इंडिविजुअली देख ही नहीं रहे हो उसकी इंडिविजुअलिटी को समझ ही नहीं रहे हो तो आप इन्सिक्योरिटी इसीलिए तो बढ़ रही है क्योंकि आप बोल रहे हो ये भी मेरे पापा के जैसे आप आज ध्यान से सुनिए कन्वर्सेशन को

so hmm. now they are finding this is a solution but this is not a solution you cannot stop the process of creation of the universe hmm. आप ऐसा बोल रहे हो कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ नहीं मिलेगा दिस सेइंग नो नो आई डोंट वांट टू बिकम वाटर बट दैट इज द प्रोसेस बट दैट्स बिकम अ कॉमन प्रॉब्लम दिस इज बच्चे कई लोग नहीं कर रहे हैं जो प्रोबब्ली आज आप लेट 90s के किड्स हैं दे आर नॉट एट एट आवर एज 20 18 द गर्ल वुड 18 द बॉय वुड गो 20 21 द पेरेंट्स वुड सी लड़का देख लो ट वॉज ऑल्सो नॉट वेरी गुड बट स्टिल सो आपने जो भी बात बताई वो है मोर साइकोलॉजिकल राइट बिकॉज दैट साइकोलॉजी में डाल दिया गया उसके लड़की के है ना कि स्ट्रांग बनो डोंट टेक थिंग्स लाइंग डाउन एंड वट वट एवर राइट उसका एक लॉन्ग ड्राउंड पास होगा सोल्यूशन पे अगर हम जाएँ बट अगर मेडिकली अगर हम देखें तीन चीज़ें आपने टच करी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक फ्रॉम मेल परस्पेक्टिव impotency from a female perspective pcod pcos whatever you call it and also it. creation of the egg in the body right and then the third one is conceiving kids people are not able to have kids so that's why you see so many iavf centers mushrooming oh today they are like mushrooming yeah. like crazy तो उसको कैसे करा मतलब उसका सलूशन क्या है अभी बिकॉज़ दोस आर थिंग्स मेडिकल चीजें होती हैं हर चीज का सलूशन तो इसका आपके context में इसको जड़ से कैसे हटाया जाए दवाइयां ना खानी पड़े लोगों को हमारे एक प्रोग्राम्स में लोग जो एनरोल करते हैं द मेनी पीपल हु हैव ओवरकम द पी सी ओज एंड आई आर नाउ लिविंग अ नॉर्मल लाइफ क्योंकि पी सी ओज एक्चुअली कोई डिजीज़ नहीं है इट इज़ एन हार्मोनल इम्बेलेंस इट कम्स फ्रॉम योर मेंटल थाट्स अगर आपको ये पता है कि आपकी लिसनिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है अभी आप मैं और आप बात ही कर रहे हैं या इन अ कन्वर्जेशन आप मेरी बात को कैसे सुनेंगे वो कैसे प्रिसीव होगी आपकी बॉडी में और आपका माइंड उसको कैसे लेके हारमोन्स कैसे कंट रिलीज करेगा वो दैट इज़ द गेम जिसको आप दवाइयों से कंट्रोल कर रहे हैं जब आप पी सी ओज के लिए मेडिकली ही जाते हैं तो दे विल जस्ट गिव यू हारमोन ताकि आपका वो बॉडी में वो हारमोन क्रिएट होता रहे पर वो जब तक है जब तक आपकी बॉडी उसको ओवरकम कर लेती है उस दवाई को hmm. मतलब अगर आपने उसकी एनर्जी बढ़ा ली मैस्कुलिन और तो वो जो हार्मोन आप ले रहे हैं उसका भी कोई इफेक्ट नहीं हो रहा आपके ऊपर hmm. तो इसका सलूशन है बिना दवाइयों के हैं एंड सो इसका सलूशन है दवाइयों के बिना है और लोग आपको कॉन्टेक्ट करके समझ सकते हैं कैसे हो सकता है एंड आई पीपल टू डू दैट लेकिन इसका मैं एक आपको सिंपल सोल्यूशन बता देती हूँ जो आप वैसे भी कर सकते हैं देखिए सबसे पहले है कि जब आपका पी शुरू हुआ उससे पहले आपकी लाइफ में कोई बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ होगा जिसकी वजह से आपने अपनी मैस्कुलिन एनर्जी बढ़ा ली क्योंकि हमारे जो ह्यूमंस हैं हम हम फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा वो करते हैं कभी केस भी आया दो तीन दिन पहले आ, हम कितने एजुकेटेड है वो मैटर नहीं करता हम क्या फ़ील कर रहे हैं वो हमारे लिए मैटर करता है तभी आप देखिए कितने लोग पढ़े लिखे होते हैं पर उनका बिहेवियर के बारे बड़ा एनिमलिस्टिक uh, uh, भी हो Weard जाता है बियर्ड हो जाता है सो एजुकेशन वो चीज़ आपको नहीं सिखा सकती आप अपने बॉडी को कैसे कंट्रोल करते हैं अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बहुत बार हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं और उनके डिज़ायर्स को हम फॉलो कर लेते हैं मतलब मेरी मदर सक्सेसफुल नहीं थी तो मेरे को सक्सेसफुल होना है उसमें हम बहुत ज़्यादा पेन क्रिएट कर लेते हैं तो अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं दैट शुड बी विथ योर डिजायर तो आपका जो बॉडी का हार्मोन है वो उस पेन को काउंटर नहीं कर रहा है लेकिन आप वो क्रिएट कर रहे हैं hmm. आज अगर आप ध्यान से देखें तो लोग क्रिएट करना चाहते हैं विच इज़ नॉट रॉन्ग विच इज़ द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स ऑल्सो लेकिन वो उस माँ के पेन से जो आ रहा है जो हम बोलते हैं ना एड्रलिन दे रहा है हमको आई विल डू इट आई विल डू वो खत्म हो जाएगा यू विल स्टिल भी एबल टू क्रिएट इट क्योंकि आज हमारे को ना एक पुष्ट चाहिए तो हम किसी के पेन को ही अपना पुष्प बना लेते हैं स्पेशली हमारे पेरेंट्स क्योंकि हम को एक सोशल एक्सेप्टेंस की बहुत ज़रूरत है हुँ. कि मेरी मदर मेरे बारे में अच्छा सोचे मेरे फादर मुझे प्रेज करे तो हम बहुत बार उसको इस तरह से भी अनकॉन्शियसली क्रिएट करते हैं तो अगर आप सुनेंगे ध्यान से तो आपको समझ आएगा कि ये आप नहीं चाहते आप सक्सेसफुल उसका एक पार्ट आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं लेकिन वो इसलिए नहीं कि भाई आपकी मदर अनसक्सेसफुल थी हुँ. तो hmm. अगर आप ये सोल्यूशन भी अपनी लाइफ में क्रिएट कर पाए कि आपको जो चाहिए दैट शुड बी योर इंडिविजुअल डिजायर बींग सक्सेसफुल इज नॉट रॉन्ग इट इज वेरी गुड ठीक है सो आज का लास्ट क्वेश्चन है अभी आपने टच किया था कि दो तीन दिन पहले केस हुआ है सो मेरा भी वही लास्ट क्वेश्चन था बिकॉज इट्स वेरी डिस्टर्बिंग एंड आई एम पर्सनली वेरी डिस्टर्ब लुकिंग एट दिस कि कैसे हो सकता है कि एक माँ अपने चार साल के बच्चे को अभी जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन पे पता लग रहा है तकिए से दम घोट के मार दिया एंड शी ऑल्सो ट्राई टू कमिट सुसाइड एंड शी इज़ अ वेरी लर्नर्ड लेडी गोइंग थ्रू अ डाइवोर्स बच्चे की कस्टडी का केस चल रहा है और शी वॉज कैरिंग द किड इन द बैग टू बैंगलोर एंड शी इज़ अ सी ई ओ शी हैज़ ऑर्गेनाइजेशन दैट शी एज क्रिएटेड ऑन मशीन लर्निंग एंड ए आई विच इज़ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द वर्ल्ड इज़ टॉकिंग अबाउट इट दैट मीन्स शी इज़ सक्सेसफुल शी इज़ इंटेलिजेंट तो ये क्या ड्राइविंग फोर्स हो सकती है अगेन अनसक्सेसफुल रिलेशनशिप बिकॉज़ डाइवोर्स हो रहा है बच्चा हुआ लेकिन उसको मारने की कोशिश हो रही है खुद को सुसाइड कर रहे हो आप मतलब ये ये क्या एनर्जी कहाँ से आ रहा है ये सब देखिए मैंने बोला ना मैस्कुलिन एनर्जी है फेमिनिन एनर्जी है हमारे अंदर वी हैव द गॉडिक साइड आल्सो एंड वी हैव द रावण साइड आल्सो अब आज जो हम इंबैलेंस देख रहे हैं एक है कि शी मे बी शी नेवर वांटेड टू मैरी बट शी वाज फोर्स टू मैरी और वो एडजस्ट करने की कोशिश की क्योंकि फ़ीमेल्स हमेशा वो एक्सपेक्टेशन होती है कि नहीं वो घर चलाए वो ये करे एडजस्ट करो एडजस्ट करो एंड मे बी शी मस्ट हैव ट्राइड बट उनकी जो ड्रीम्स थी जो एस्परेशन थी वो जैसे अभी आपने बोला एक सक्सेसफुल औरत है शी शीज़ क्रिएटेड अ कंपनी तो उनकी जो कंपनी थी उससे बहुत ज़्यादा डिमांड करती थी एंड वही उनकी ड्रीम भी रहा होगा लेकिन अब बच्चा है बच्चे को एज़ अ मदर वो इमोशंस भी हैं बट देखिए जब उन्होंने अपने बच्चे के साथ ऐसा किया तब तक उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि Uh, मैं खुद भी बिकॉज शी वॉन्टेड टू कमिट सुसाइड पर जब उन्होंने अपने बच्चे को वो पेन से किया और खुद को उस पेन में डाला वैंड शी कटर शी एक्सपीरियंस समथिंग जितना हम ईजिली सोचते ना सुसाइड करना hmm. उतना ईजी होता नहीं है बट जब वो एक्सपीरियंस होता है ना कि यू विल डाई दैट फियर ऑफ डेथ वा आपकी सारी इंटेलिजेंस ले जाता है एंड देन योर माइंड स्टार्ट फाइंडिंग एन आंसर कि मैं अपने आप को कैसे बचाऊँ एंड आपने पहले ही बताया वो बहुत इंटेलिजेंट है सो शी नोज हाउ टू हैंडल पर वो कोशिश करने में आदमी के साथ एक फियर चल रहा होता है क्योंकि उन्होंने कुछ किया अब ये ह्यूमन इमोशन है गिल्ट 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 आपको हमेशा खाएगा hmm. तो अपने में शी शी कुड नॉट एनालाइज व्हाट डिड बच्चे बच्चे को को मार दिया बच्चे को मारने से गिल्ट भी आया yeah. क्योंकि माँ अपने बच्चे को पेट से ही जन्म देती है सो so, जब आप अपने गर्भ को मारते हैं बच्चा आपका गर्भ है तो गर्भ को मारते हैं तो मदर के लिए चाहे वो पढ़ी लिखी हो उससे कोई लेना देना नहीं है the imbalance again the imbalance of emotions create the imbalance of energies but yeah whatever it is I think we are getting towards a very yeah we worse are societal और, uh, और देखिए एक एक बात ना मैं यहाँ कहना चाहूँगी हम ना खाली बातें करते हैं और यहाँ पे हम सोचते हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन आए कोई इंसान improve करे यहाँ आज हमें ज़रूरत है सबसे ज़्यादा खुद पे improvement करने की which is lacking उसके लिए वक्त नहीं है लोगों के पास बहुत वक्त है है ना क्योंकि वक्त वक्त सिर्फ अब लोग ऐसा सोचते हैं कि वक्त कुछ हमें अलग से चाहिए हम अपने प्रोग्राम्स में एक चीज कराते हैं सेल्फ ऑब्जर्वेशन सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ एनालिसिस ऑल टाइम आप अभी मेरे से बात कर रहे हैं आप मेरी बात को किस तरह से सुन रहे हैं आप मॉक करके सुन रहे हो सकते हैं उसमें आपकी लर्निंग ब्लॉक होगी आप इसको रिसीव uh, अच्छे से कर रहे हैं वो आपकी लर्निंग हो जाएगी वो अभी अभी हमारा ये पॉडकास्ट खत्म हो आप बाहर निकले आपके पास कोई प्रश्न आए आप अभी इस अवेयरनेस में इसको पॉजिटिवली लेके गए वही आपको उस चीज़ में गलत नहीं करने देगा लेकिन आप मॉक करके गए तो आप बोलेंगे देखा सारे पागल है सारी दुनिया ऐसे ही करती है आपने अवेयरनेस ली एंड पीपल थिंक इट इज़ अ प्रैक्टिस विच इज डन सेपरेटली नो इट हैज़ टू बी डन इन योर लाइफ रिलीजन वॉज सोल्ली क्रिएटेड विद दिस परस्पेक्टिव बट आज वो लूज कर गया अपनी मीनिंग क्योंकि हमने उसको भगवान को और अपने जीवन को अलग कर, अलग कर दिया भगवान हमारे जीवन के अंदर है बाहर नहीं है आप भी मेरे लिए भगवान है अगर मैं समझूँ तो अगर मैं आपको एक भाई की तरह या एक नाम की तरह समझूँ तो आप नहीं हैं आप मुझे सिखा नहीं सकते क्योंकि मैंने वो सुनना बंद कर दिया दी स्टॉप्ड सो थैंक यू रिचा आज का एपिसोड काफ़ी इन्फॉर्मेटिव uh, था नॉलेजेबल था और जैसे आपने कहा कैसे मैंने सुना या सबने सुना मॉक किया या इसको पॉजिटिव लेके गए और कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया और आई uh, थिंक अगर मैं समरी में बोलूँ तो हर इंसान को सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा और आप एज एन इंडिविजुअल फॉर एग्जांपल मैं आई एम अ फादर आई एम अ ब्रदर आई एम अ सन आई एम अ हस्बैंड सो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल कंडक्टिंग माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ माई किड्स वाइल आई एजुकेट माय डॉटर वाइल आई स्पीक टू माय वाइफ हाउ डू आई डू दैट सो दैट शी डजेंट हैव टू फील ऑफेंडेड और फील दैट राइट एंड द मैसेज गोज राइट सो आई थिंक

क्योंकि पहले गर्ल्स को एक स्पेशल एजुकेशन दी जाती थी वैन uh, मैं राजाओं के समय की बात कर रही हूँ द गर्ल्स वर इक्वली इंटेलिजेंट आज भी hmm. हैं पर आज वीकर सेगमेंट में उनके उनके माइंड सेट वीकर सेगमेंट में डाला hmm. गया है एज दे वुड फील मोर पावरफुल तो आपकी आप अगर अपनी लाइफ में अपने बच्चों को उस तरह से समझाएंगे सो दे आर नॉट वीक दे आर पावरफुल थैंक यू थैंक यू सो मच कॉड ब्लेस यू